रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। फवाद आलम की खुदकश मोहब्बत। एक बात कहूँ, तुम कभी खुद को आईने में मत देखना। अच्छा, क्यों? क्योंकि तुम्हें खुद से मोहब्बत हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई भी तुम्हें चाहे। इंतजार में भी एक लज्जत है मियां। मैं आपसे वादा करता हूँ मिर्ज़ा, मैं ज़ैब को बहुत खुश रखूंगा। मिर्ज़ा, मैं किसी को ऑप्शन नहीं देता। चल, तुझे देता हूँ। अगर ज़ैब को मैंने अपनी जिंदगी से माइनस कर दिया तो कुछ नहीं बचेगा। मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी कैसे कर सकते? इसकी इजाजत तो आपको इस्लाम भी नहीं देता। ये बताएगी कि दीन क्या होता है। ऐसा लग रहा है मेरे वजूद से रूह को निकाल कर मुझे जिंदा रहने की सजा दी गई हो। यहाँ वसा निकालने के बजाय उसको पकड़ो जिसने हमारी इज्जत पे हमला किया है। बड़े ही ढीठ है भाई तू। आशिकी ढीठों का ही काम है। जी नाज़रीन, आपने ट्रेलर में मुलाहिज़ा किया फवाद आलम की खुदकश मोहब्बत का। अगर इसकी कहानी की तफसीलात आपके साथ शेयर करें तो दोनों का तल्लक दीनी घराने से है। दोनों यानी कि फवाद आलम की खुदकश मोहब्बत का किरदार अदा कर रही हैं इसमें फारिया हसन। फवाद आलम एक मदरसे में मामूली से मुअल्लम की जॉब करते हैं, जबकि इनके वालद उसी मदरसे के जो आनर है, जो मालिक है, उसके घर ड्राइवर की नौकरी करता है। और फवाद आलम की मोहब्बत जो है खुदकश मोहब्बत इसी मदरसे के मालिक की बेटी है। यहाँ से कहानी शुरू होती है। वाले से आपको मज़ीद पता चलूँ तो पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम, पाकिस्तानी टीम के कप्तान होने के साथ साथ दुनिया के नंबर वन बैट्समैन बाबर आजम ने भी फवाद आलम की इस खुदकश मोहब्बत का ट्रेलर अपने जो उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट है उन पर शेयर किया। इसके हवाले से आप क्या कहते हैं, आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने गिरदोनुमा का भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।